नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि शर्मा। तो देश की राजनीति में हाशिए पर खड़ी कांग्रेस चुनावी मौसम में पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है। 2024 में मोदी सरकार को घिराने के लिए कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन का हाथ थामा, तो विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने अपनी गारंटी प्लान को एक बार फिर एक्टिव कर दिया है। हैदराबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग के बाद कांग्रेस ने तेलंगाना के लिए 6 गारंटियों का ऐलान किया। कांग्रेस को उम्मीद है कि कर्नाटका में बाजी जिताने वाली गारंटियां तेलंगाना के साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी कमाल कर देंगी। वादे किए हैं तो उनको निभाना होगा। धर्म और जाति से उठकर हर वर्ग को साधना होगा। राजनीति के मैदान का किंग बनने के लिए ये वो कंडीशन है जिन्हें पूरा करना लाजमी है, और दूसरी पार्टियों की तरह कांग्रेस को भी राजनीति का ये सूत्र समझ आ गया। लोकसभा चुनावों से पहले राज्यों के विधानसभा चुनावों में वापसी के लिए कांग्रेस ने सस्ती और फ्री योजनाओं को फिर से हथियार बनाया। हैदराबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग करके एक तरफ कांग्रेस ने दक्षिण भारत से दिल्ली फतेह की रणनीति का ऐलान किया, तो रविवार को तेलंगाना चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने अपनी 6 चुनावी गारंटियों का ऐलान कर दिया। तेलंगाना के रंगा रेड्डी जिले के तुक्कुगुड़ा रैली से सोनिया गांधी ने 3 गारंटियों का ऐलान किया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेलंगाना के लिए बाकी की 3 गारंटियां बताई। कांग्रेस की तरफ से दी गई गारंटियों में महिलाओं और किसानों पर फोकस किया गया। पहली गारंटी के तहत कांग्रेस ने 2500 प्रतिमाह घर की हर महिला मुखिया को देने का वादा किया। दूसरी गारंटी में हर परिवार को एलपीजी सिलेंडर 500 रुपए में उपलब्ध कराने का वादा किया। तीसरी गारंटी में कांग्रेस ने राज्य ट्रांसपोर्ट बसों में महिलाओं को फ्री यात्रा देने का वादा किया। चौथी गारंटी के तहत कृषक भरोसा योजना के जरिए भूमिहीन मजदूर को 12,000 रुपए प्रतिवर्ष दिया जाएगा। पांचवी गारंटी में बटाईदार किसान और छोटे किसान को 15,000 रुपए प्रतिवर्ष दिए जाने का ऐलान किया, और छठवीं गारंटी के जरिए चावल की खरीद पर 500 प्रति क्विंटल बोनस दिए जाने का ऐलान हुआ। महालक्ष्मी, महालक्ष्मी विच मीन्स रुपीज 2500 मंथ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वीमेन, गैस सिलेंडर्स एट रुपीज 500, फ्री ट्रैवल फॉर वीमेन in CSRTC buses across the state. It has been my dream to see the Congress government in Telangana that will work for all sections of our society. Rait Bharosa, Rait Bharosa, har rait ko 15,000 rupay per acre aur tenant ko 12,000 रुपए, एग्रीकल्चर लेबर को भी 12,000 रुपए देने का भरोसा किया है। उसके अलावा बोनस रुपीज 500 पैडी के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। हमारी सरकार आएगी तो ये जरूर हम आप लोगों को देंगे। तेलंगाना के लिए गारंटियों की पहली किस्त का ऐलान करते हुए सोनिया गांधी ने कर्नाटक की तरह तेलंगाना जीत का भी भरोसा जताया। सोनिया गांधी ने उम्मीद जताई कि तेलंगाना जीत के देश में एक मिसाल बनेगी। इट हैज बीन माय ड्रीम टू सी द कांग्रेस गवर्नमेंट इन तेलंगाना दैट विल वर्क फॉर ऑल सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी। कर्नाटक में जीत के बाद एक बार फिर से कांग्रेस ने गारंटियों का पिटारा खोल दिया है। तेलंगाना में वही रणनीति अपनाई जा रही है जो जीत के लिए कर्नाटक में अपनाई गई थी। कर्नाटक में चुनाव से ठीक पहले जनता की सहूलियतों को समेटे हुए 5 गारंटीज की घोषणा की गई थी, और कहा जाता है कि जो जीत मिली उसमें इन गारंटीज की सबसे अहम भूमिका थी। कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस ने जनता को जो 5 गारंटियां दी थी उनमें कांग्रेस पार्टी ने पहला वादा किया था हर परिवार को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। दूसरा वादा ग्रेजुएट बेरोजगार को 3,000 रुपए मासिक भत्ता और डिप्लोमा होल्डर छात्रों को 1,500 रुपए मासिक भत्ता देना था। कांग्रेस की तीसरी गारंटी प्रत्येक परिवार की एक महिला को 2,000 रुपए मासिक भत्ता देना था।
चौथी गारंटी में कांग्रेस ने हर गरीब व्यक्ति को 10 किलोग्राम मुफ्त अनाज देने का वादा किया था और पांचवी गारंटी में हर महिला को सरकारी बसों में मुफ्त सफर की सुविधा दिए जाने का ऐलान हुआ था। आज की सियासत में वोटरों का विश्वास जीतने का बड़ा सटीक माध्यम बन गई है गारंटीज। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का कहना है कि 4 गारंटीज को लागू कर दिया गया है जबकि 5वीं गारंटी को जनवरी में लागू कर दिया जाएगा। और इस तरह से देखिए कि कितना ज्यादा प्राथमिकता इन गारंटीज को दी जाती है। कर्नाटक के अलावा कांग्रेस ने हिंदी पट्टी के 3 राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान जहां चुनाव होने हैं वहां भी योजनाओं और गारंटीज की बारिश शुरू कर दी है। उसे भरोसा है कि इन्हीं गारंटीज और योजनाओं के जरिए एक बार फिर से उन्हें इन 3 राज्यों में भी सत्ता हासिल होगी। कर्नाटक की तर्ज पर कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी सत्ता बदलने की कोशिश में जुटी। कांग्रेस ने जिस तरह कर्नाटक में गृह लक्ष्मी स्कीम के तहत हर महिला को हर महीने 2,000 रुपए देने का वादा किया था, ठीक उसी तरह एमपी में हर महिला को हर महीने 1,500 रुपए देने का वादा कर रही है। कर्नाटक में जिस तरह गृह ज्योति योजना के तहत हर घर को 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया था, उसी तरह एमपी में 100 यूनिट बिजली माफ और 200 यूनिट बिजली हाफ करने का वादा किया जा रहा है।